अब तक आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 19 यानी 19 तक, और आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके इम्तिहान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको सेम दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सवाल नंबर एक में है कि नेदा फाजली कब पैदा हुए। नेदा फाजली कब पैदा हुए, विकल्प जैसे कि आप देख रहे हैं, अलिफ में 1937, बे 1938 और सी में है, जी में है 1939 और दाल में देख रहे हैं 1931। क्वेश्चन नंबर एक का सही जवाब आपको होगा बे 1938 में इनकी पैदाइश हुई है। जी स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। नेदा फाजली कहाँ पैदा हुए, अलिफ लखनऊ, बी ग्वालियर और विकल्प सी भी दिया है पटना और दाल में है दिल्ली। इसका सही जवाब स्टूडेंट होगा आपका बे यानी कि ग्वालियर में इनकी पैदाइश हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इम्तिहान में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको सही से टिक मार कर लेना। देखते हैं सवाल नंबर थ्री में है, नेदा फाजली के वालिदैन किस मुल्क में जाकर रहने लगे थे। नेदा फाजली के वालिदैन, वालिदैन कहते हैं माँ और बाप को, किस मुल्क में जाकर रहने लगे थे, अलिफ बांग्लादेश में, सी जर्मन में, जी इंग्लैंड में, जी इंग्लैंड में और दाल पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर थ्री का सही जवाब होगा आपको दाल पाकिस्तान में। कहाँ, पाकिस्तान में, यह आपको याद कर लेना होगा। देखते हैं सवाल नंबर चार में, मोर नाच किस शायर का शेरी मजमुआ है। मोर नाच किस शायर का शेरी मजमुआ है, अलिफ नेदा फाजली और बे में है सरदार जाफरी का, जी में कैफी आजमी का और दाल में चकबीस का। क्वेश्चन नंबर चार का सही जवाब होगा आपको अलिफ नेदा फाजली साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर पाँच की तरफ, नेदा फाजली के खाकों के मजमू का उन्वान क्या है। जी स्टूडेंट नेदा फाजली के खाकों के मजमू का उन्वान क्या है, अलिफ चेहरे, बे देवरों के बाहर, दीवारों के बाहर, जी मुलाकातें और दाल में दीवारों के बीच। क्वेश्चन नंबर फाइव का सही जवाब होगा अलिफ चेहरे, क्या है चेहरे। सवाल नंबर देखते हैं छः में, नेदा फाजली की तख्लीक मुलाकातें का ताल्लुक उर्दू के किस सिनफ से है, अलिफ तनकीद से, बे नाविल से, जिम सफरनामे से और दाल में खाका से। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही जवाब होगा आपको अलिफ, किससे होगा, अलिफ तनकीद से। सवाल नंबर देखते हैं सेवन की तरफ, बिजली के खंभा के मुसन्निफ कौन है। जी स्टूडेंट बिजली के खंभा के मुसन्निफ कौन है, अलिफ चकबीस, बे परवेज शाहिदी, जिम नेदा फाजली और दाल इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सात का सही जवाब होगा आपको जीम नेदा फाजली जी है, कौन है, नेदा फाजली जी है। सवाल नंबर देखते हैं आठ में, नेदा फाजली ने समाज के किन तबके के मसाइल को अपने नज्मों में उभारा है। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आठ है, तो अलिफ में कमज़ोर तबके के, बे में मलाला तबके के और जी में दिया है जमींदार तबके के, दाल में कोई नहीं। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा अलिफ, कमज़ोर तबके के लोगों के मसाइल को उन्होंने उभारा है अपने नज़म के अंदर। जी स्टूडेंट आज इतना ही, फिर मिलता हूँ चैप्टर नंबर 21 लेकर के, तब तक इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।